जो देश को जलाया है हम उसे जलाएंगे, भगवान के नाम पर वोट लेने वाले को हम राजनीतिक वनवास करवाएंगे, ये कहना है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ आरजेडी ने अपना खुला समर्थन देने का ऐलान किया है, बता दें कि तेजस्वी यादव बिना किसी स्वार्थ के अखिलेश यादव को अपना समर्थन देंगे, अपना सहयोग देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी चुनाव को लेकर अब रोहिणी आचार्य की तरफ से भी अलग अलग ट्वीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमले किए जा रहे हैं। बता दें कि रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसे में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन लोगों को आईना दिखाना है और उन्हें उखाड़ कर फेंक देना है। ऐसे में ट्वीट के माध्यम से क्या कुछ कहना है रोहिणी आचार्य का, किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक बार फिर से कटाक्ष किया है रोहिणी ने, ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि इस ट्वीट में रोहिणी ने लिखा है, जो देश को जलाया है हम उसे भगाएंगे, श्री राम के नाम पर वोट मांगने वाले भिखारी को राजनीतिक वनवास दिलाएंगे। इसके साथ ही अपना समर्थन देने का ऐलान भी रोहिणी आचार्य ने लिखा है, क्योंकि इस ट्वीट में उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को टैग भी किया है। तो बता दें कि जहां एक तरफ आरजेडी निस्वार्थ भाव से इस बार यूपी में अखिलेश यादव के साथ खड़ी रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक हमले रोहिणी आचार्य की तरफ से की जा रही है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी रोहिणी ने कहा है कि 2022 नहीं बल्कि अब बीजेपी को 2027 में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस बार तो अखिलेश यादव ही यूपी में आ रहे हैं। तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी को पछाड़ने में जुटे हुए हैं, अलग अलग तरीके से हमले अखिलेश यादव की तरफ से किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का भी अब पूरा पूरा साथ अखिलेश यादव को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम खबरों की माने तो चर्चा ये भी हो रही है कि तेजस्वी यादव यूपी पहुंच सकते हैं और यूपी में वो अखिलेश यादव के साथ भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ सकते हैं। इस बीच रोहिणी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है जिसमें हमला बीजेपी पर किया गया है, बीजेपी को भिखारी कहा गया है और श्री राम के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप भी बीजेपी के ऊपर लगाया गया है। ऐसे में इस आरोप को लेकर अब बीजेपी किस तरह से आरजेडी को जवाब देती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वक्त आरजेडी ने यह साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए 2022 में तो अखिलेश यादव ही आ रहे हैं और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, गलत संदेश समाज को दे रहे हैं, उन्हें 2022 में उखाड़ फेंकना है। और यही वजह है कि ये ट्वीट करते हुए एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।